सोलन से शिमला आईजीएमसी जाने वाले रोगियों के लिए मंगलवार से बस सेवा आरंभ कर दी गई है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोलन वासियों ने मंगलवार से ही इस बस सेवा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। सोलन वासी इस बस सेवा के चलने से काफी खुश भी नजर आए। ये बस सेवा उन रोगियों के लिए वरदान साबित होगी जो अक्सर इलाज करवाने के लिए शिमला आईजीएमसी अस्पताल जाते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल और भाजपा नेता राजेश कश्यप ने बताया कि सोलन वासियों की पिछले काफी वर्षों से आईजीएमसी बस सेवा चलाने की मांग चल रही थी। उन्होंने इस बस सेवा को चलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा का लाभ सोलनवासी सुबह से यहां आईजीएमसी जाने के लिए और शाम को वापस आने के लिए उठा सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोलनवासियों को आईजीएमसी शिमला के लिए जाने में पहले काफी दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब आईजीएमसी पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले आईजीएमसी पहुंचने के लिए वे 3 बसों को बदलना पड़ता था, तब जाकर वे आईजीएमसी पहुंचते थे। जो रोगी वाहन वहां जाते थे उन्हें पार्किंग की समस्या से भी जूझना पड़ता था, लेकिन अब समस्या का हल निकल चुका है। भाजपा सरकार ने लोगों की परेशानी को दूर करके ये बस सेवा शुरू की है। नई बस सेवा आज सोलन से आईजीएमसी के लिए सीधी बस सेवा सरकार के द्वारा शुरू की गई है और सुबह 7:20 पर ये यहाँ स्थान से चलेगी। 7:10 पर न्यू नए बस स्टैंड से चलेगी। 7:20 पर यहाँ से चलेगी और शाम को फिर वापस ये 4:10 पर जो है वापस सोलन के लिए ये आएगी। तो सीधा क्योंकि यहाँ से जो आईजीएमसी जाते थे तो फिर शिमला पहुँचने पर फिर बस का जो है बस परिवर्तन करना पड़ता था, चेंज करनी पड़ती थी आईजीएमसी जाने के लिए। तो काफ़ी दिक्कत जो है रोगियों को जो है वो होती थी। अब मैं समझता हूँ कि इस बस सेवा के शुरू होने से रोगियों को जो है काफ़ी समस्या से जो है वो निजात मिलेगी। तो मैं सबको इस नई बस सेवा के शुभारंभ की बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है माननीय ठाकुर विक्रम सिंह जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर राजीव सैजल जी का, जिन्होंने अपना समय दे करके जो है यहाँ पे पहुँचे हैं सुबह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक जो सोलन के लोगों की जो एक बहुत दिनों से डिमांड थी कि आईजीएमसी के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस सेवा जो है वो स्टार्ट की जाए, इसके लिए हम पिछले कोई लगभग 1 साल से प्रयासरत थे, लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया तो इस करके ये थोड़ा सा रुक गया। और मुझे बहुत धन्यवाद करना है सरकार का कि ये जो एफर्ट्स थे हमारे वो आज सफल हुए। आज ही माननीय डॉक्टर राजीव सैजल जी ने हरी झंडी दिखा करके ये सोलन से आईजीएमसी के लिए एक डायरेक्ट बस सेवा का जो है शुभारंभ किया है और इस बस सेवा से जो है सोलन के लोगों को और सोलन से आगे जो भी कंडा घाट, वाकना घाट और शोगी तक के जितने भी लोग अपने आप को आईजीएमसी दिखाने जाते हैं और वहाँ पर जा कर के ये जो है अपना इलाज कराते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी एक सुविधा एक हुई है। और इससे जो है ना केवल पेशेंट्स के लिए जाने की सुविधा है, आने की भी सुविधा है। ये बस जो है यहाँ से सुबह 7:20 पे चलेगी और वापस जो है शाम को 4:10 पे जो है आईजीएमसी गेट से वापस आएगी। तो क्योंकि आईजीएमसी के पास पार्किंग की भी काफ़ी असुविधा है, लोग यहाँ से अगर अपनी गाड़ी में भी जाए तो उनको पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है और अगर डायरेक्ट जाते हैं तो 3 बसें जो है चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए हॉस्पिटल के लिए डायरेक्ट बस हो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे लोग स्पेशलिटीज़ के लिए जो है जिसमें मुख्य न्यूरो की प्रॉब्लम है या साइकेट्री की प्रॉब्लम है ऐसी जो कई या हार्ट की प्रॉब्लम है उसको दिखाने के लिए आईजीएमसी जाते हैं, इसलिए ये बस सेवा का जो है बहुत ज़रूरी थी।